और भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पार्टी राज्य के 1380 धान खरीदी केंद्रों में 1 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। कार्यकर्ता सरकार से मांग करेंगे कि घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार किसानों का धान 2500 रुपए में खरीदे। वहीं 2 दिसंबर को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि सदन में किसान और धान खरीदी के मुद्दों को लेकर तर्कों के साथ सवाल उठाया गया, जिसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। पहले दिन ही किसान और धान मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है उसके विरोध में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही है। बीजेपी उसके लिए कहीं जिम्मेदार नहीं है। मैंने विधानसभा में कहा, अब भी बोल रहा हूं कि 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह धान के खरीदे किए, एक दिन भी उसको विषय नहीं बनाए। आज किसान पर और धान पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस का चेहरा आज उजागर हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि पहले बार किसानों के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष ने इकरार किया और इस स्थगन प्रस्ताव में हमारे सभी विपक्ष के साथियों ने पूरी मजबूती के साथ तत् रखे और सरकार को आज इन सारे मुद्दों में बैकफुट में जाना पड़ा।